हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। सिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी जी के बारे में, जिनकी यूनिट में उनका नाम जादूगर हुआ करता था। उनसे मौत भी शर्माती है, जो कि 9 पर SF से बिलोंग करते थे। इन्हें अशोक चक्र मिला था इनके लास्ट ऑपरेशन के लिए। दोस्तों, स्पेशल फोर्सेस की ये एक खासियत है कि वो कहीं पर भी जा करके लड़ सकते हैं। एफिशिएंसी इनकी इतनी हाई रहती है कि एक स्पेशल फोर्सेस की स्क्वाड 120 जवानों के आम कंपनी के बराबर होती है। ये कुछ आत्मबल रहता है हर एक स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर का, जो कि अलग लेवल पे पहुंचाता है इन्हें। दोस्तों, बात है 1 सितंबर 2015 की। जगह थी उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। 9 पैरा के यूनिट हेडक्वार्टर्स में मोहन नाथ गोस्वामी जी आए ही थे एक ऑपरेशन करके, जिसमें कि 4 टेररिस्ट एक गुफा में छुपे हुए थे। 3 टेररिस्टों को इनकी टीम ने एलिमिनेट करा, चौथे से सरेंडर करवाया बाय नेगोशिएशंस। इन्हें एक नई इंटेल मिली थी कि 6 इन्फिल्ट्रेटर्स घुस रहे हैं सत्सलियार फॉरेस्ट ऑफ कुपवाड़ा। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट फॉरेस्ट है इन द कश्मीर, और इधर की विजिबिलिटी 3 मीटर से ज्यादा की नहीं रहती है। सो आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का फॉरेस्ट था। और महीना सितंबर का था, कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मोहन नाथ गोस्वामी जी एक महीने पहले ही अपने घर से वापस आए थे 14 दिन की एक छुट्टी काट करके, और उनकी बेटी का 7वां जन्मदिन था और वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पिछले 10 दिन में 3 बैक टू बैक ऑपरेशन करे थे, जिनमें उन्होंने 11 टेररिस्ट को एलिमिनेट करा। और सबके चहेते थे, हर एक स्क्वाड का एक टीम लीडर होता है, वो एक ऑफिसर होते हैं, उनके बेस्ट सोल्जर कहते थे। अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग लेवल का स्टैंडर्ड रहा होगा। 2002 में इन्होंने स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन करी थी। 9 की तो बात ही अलग है, उसकी कहानी मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। प्लान ये था कि एक लॉन्ग हॉल ऑपरेशन प्लान किया जाएगा, जो कि अप्रोक्स 96 आवर्स चलेगा, जिसमें 6 स्क्वाड्स एक हॉल्ट लगाएंगे, वहां पर वेट करेंगे, एम्बुश लगाएंगे जब तक कि टेररिस्ट नहीं आते। सो ये प्लान था, एंड टेररिस्टों को एलिमिनेट करना था। सिंपली ऑपरेशन चालू होता है और 1 सितंबर की पहली लाइट को वहां पर हमारे कमांडोस पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा पहले, इंटेल जो होती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं रहती है कि हम इतना भी बता दें कि कौन सी डायरेक्शन से टेररिस्ट आ रहे हैं। सेम इधर भी हुआ, खतरा थोड़ा सा और ज्यादा था। जो टीम थी इनकी, वो 3-3 स्क्वाड की, 18-18 कमांडोज ईच की 2 टीम, जो कि एक पहाड़ के दोनों साइड बैठेगी, इंतजार करेगी कि टेररिस्ट आए, ऑपरेशन चालू हो। टेररिस्ट जो रहते हैं, ये आपको मालूम ही होगा, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे स्पेशल फोर्सेस का एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले नेगोशिएट करेंगे, आप सबसे पहले क्योंकि ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये इंडियन सॉइल पे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो इंडियंस ही रहते हैं जो ये ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं। आखिरी ऑप्शन पे वो एक्सचेंज ऑफ फायर फाइट होगा। एक टर्मिनोलॉजी से स्पेसिफाई करा जाता है फौज में, जिसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव एम्बुश। जब आपको पता नहीं है कि कहां से टेररिस्ट आएंगे, उनकी रफली क्या स्ट्रेंथ है, ये आपको मालूम रहता है बस। दिस वॉज द थिंग। रात के 8:30 बजे मोहन नाथ गोस्वामी जी की टीम ने देखी कि यहाँ पर कुछ हरकतें हो रही हैं। रात का टाइम था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। हमारे पास नाइट विजन गियर भी था, बट ऑफकोर्स उसका उतना कुछ ज्यादा यूज था नहीं। उन्होंने देखा और उनको 4 ऐसी उंगलियों जैसे कुछ फिगर्स नजर आए। उन्होंने पूरी टीम को हाई अलर्ट पर रख दिया। हमारे जितने भी कमांडो होते हैं वो सारे बडी पेयर में ऑपरेट करते हैं, सो उनके जो बडी थे वो उनके साथ थे। उन्होंने ना आगे क्लेमोर्स माइंस, बेसिकली एक टाइप के माइंस होते हैं जो कि बटन ऑपरेटेड होते हैं, कि जब भी कोई आएगा तो बटन दबाएंगे हम और माइन ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये उन्होंने लगाए हुए थे ऐसी डायरेक्शन में, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी कि यहां से टेररिस्ट आ सके, बट वो ऐसा नहीं हुआ, वो किसी अलग डायरेक्शन से आ गए। तो उन्हें उनके पास इतना कम टाइम था कि वो माइंस वापस शिफ्ट कर सकें। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी जी ने करा, वो कामयाब रहे। अब जैसे कि आप हरकत भी नहीं कर सकते हैं छोटी छोटी, क्योंकि अगर हरकत भी रिवील तो आपको पता भी नहीं चलेगा टेररिस्ट आप पर कब गोलियां बरसाना चालू कर दे और आपकी कैजुअलिटीज हो सकती। सो उस लेवल का खतरा रहता है। SF के प्रोटोकॉल्स मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले चैलेंज करना रहता है, वर्बली उनसे पूछना रहता है, नेगोशिएट करना रहता है कि आप सरेंडर करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑपरेशन में पूरा खेल इसी का रहता है कि कौन कितना ज्यादा हिडन रह के फायर कर सके, जीत सके अपने टारगेट को। ये सबसे ज्यादा रिस्की काम था। उसके रिस्पांस में हमने भी फायर करा और हमारी जो टीम थी स्पेशल फोर्सेस की, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी जी की टीम ने भी बैक फायर करा। उस एक फायर में एक बुलेट जो थी वो एक टेररिस्ट को लगी, उसे लाइक खत्म नहीं कर पाए बट इंजर्ड कर दिया था। ऐसे ही फायर फाइट चला थोड़े टाइम तक, 15-20 मिनट तक फायर फाइट पूरा चला। दोनों साइड से गोलियां बरस रही थी। एक वो पॉइंट आता है जब दोनों साइड साइलेंट हो जाते, वो पॉइंट आया, फायर खत्म हुआ। थोड़ी देर तक के लिए साइलेंस था, उसी दौरान एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर UBGL
एल का राउंड आकर के लगता है।